तो भाई गेमर हो आप, गेमिंग करते हो, पबजी लवर हो आप, तो आपके लिए इतना बढ़िया ऑप्शन लेके आए ट्रू वायरलेस ईयरबड्स में, आपका दिल खुश हो जाएगा। आराम से वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों आज यहाँ पे हमारे पास इंडिया के फर्स्ट हेलमेट डिजाइन के ट्रू वायरलेस ईयरबड से गेमिंग TWS। अगर आपने पबजी खेला होगा भाई, आप गेमर हो, पबजी लवर तो हो गए ही हो गए। बिल्कुल जो पबजी में हेलमेट है वैसे डिजाइन के हमारे पास ट्रू वायरलेस ईयरबड्स आए हुए हैं नंबर ब्रांड की तरफ से। देयर इज नंबर सुपर बर्ड्स प्रो GT9 गेमिंग TWS, और इसका लॉन्च प्राइस रखा गया है मात्र 999 रुपीज। शायद और भी कम लॉन्च प्राइस रखा गया है, मैंने सारे के सारे पॉसिबल लिंक्स दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके आप चेकआउट करके एक बार विजिट कर सकते हैं इनको। इसका लॉन्च प्राइस है ये, प्राइसिंग इसके बढ़ के 1500 रुपए के आसपास हो जाएंगे। और मैं इनको पर्सनली यूज कर चुका हूं। जो पैकेजिंग है इसका, जो लुक एंड फील है, बिल्ड क्वालिटी है, आउटपुट है, मैं काफी इंप्रेस हुआ हूं। मतलब मैं तो पर्सनली, जो ब्रांड है बहुत ही मेहनत की है ब्रांड ने, मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा ब्रांड को, आप भी डेफिनेटली अप्रिशिएट करेंगे। एक एक आपको टेस्टिंग दिखाऊंगा कैसी बिल्ड है, बॉक्स कैसा है, कंप्लीट टेस्टिंग करेंगे ताकि एंड तक पहुंचते आप डिसाइड कर पाए अगर आप गेमिंग लवर हैं इसको आपको ग्रैब करना चाहिए कि नहीं। सो होप यू लाइक दिस वन, एंड इफ यू न्यू टू आवर चैनल काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट, शेयर एज मच एज पॉसिबल, सो वी कैन मेक मोर गुड स्टफ फॉर यू ऑल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो करते हैं शुरुआत अनबॉक्सिंग के साथ। तो यहां पर आपको नंबर सुपर बर्ड्स प्रो GT9 गेमिंग TWS का ऐसे प्रीमियम पैकेज मिल जाएगा यार। पैकेजिंग में बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्क किया हुआ है, और यहां पर बिलीव अचीव राइस मेंशन किया गया है, और नीचे आप देखेंगे तो यहां पर प्राइसिंग मेंशन है 4000 रुपीज, लेकिन लॉन्च प्राइस काफी कम रहा गया है। और इसको हम फटाफट करते हैं अनबॉक्स। अनबॉक्स करते से आप देख सकते हैं ऊपर मेंशन है स्टॉप वॉर प्ले मोर, इनका यहाँ पे शायद कोटेशन है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है कोटेशन भी। एंड इसको हम ओपन करेंगे तो एक एक चीज बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पैक्ड है। सबसे पहले आपको मिलने वाले यहाँ पे एक वेलकम कार्ड मिल जाएगा ब्रांड की तरफ से, और साथ ही में इसमें आपको 1 ईयर की ब्रांड वारंटी मिलने वाली है। इस कार्ड के थ्रू आप यूटिलाइज करके क्लेम कर सकते हैं, और एक यूजर मैनुअल मिल जाएगा, इसमें आपको सारी डिटेलिंग मिलने वाली है, टच कंट्रोल्स कैसे वर्क करते हैं, वैसे हम सब एक एक चीज डिटेलिंग में चेक करेंगे वीडियो में आगे। एक एडिकेट लेंथ का आपको टाइप सी का चार्जिंग केबल मिलेगा टू चार्ज योर केस, और एक्स्ट्रा आपको ये टिप्स मिलने वाले अपने कानों के साइज के हिसाब से यूटिलाइज कर पाएंगे। और भाई बात करेंगे यहाँ पे मेन प्रोडक्ट की, दिस इज द केस यू विल बी गेटिंग। आपको देखते ही जो लुक एंड फील है, जो पबजी का हेलमेट है, बिल्कुल आपको याद दिला देगा, बिल्कुल आपको टच कर जाएगा। इसका जो लुक एंड फील दिया गया है, बिल्ड क्वालिटी दी गई है, उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। फ्रंट में जो लाइट जलती है रेड कलर की, बिल्कुल आपको बढ़िया लुक एंड फील प्रोवाइड कर रही है, ऐसा लग रहा है अंदर से कोई देख रहा है आपको। और जो प्लास्टिक क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी, उसको लेकर मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी, डिसेंट आपको यहाँ पे बिल्ड मिल जाएगी। और बैक साइड में आपको टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा मोटा आपको केस लग सकता है, लेकिन इसको आप आराम से वैसे पॉकेट में कैरी कर सकते हैं, बैग में कैरी करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं लगी मुझे। और इस केस की प्लस पॉइंट मुझे ये लगी, अगर आप भले गेमिंग करें या ना करें, अगर आप इसको ऐसे चार्जिंग में भी लगाते हैं तो देख सकते हैं जो लाइट्स ऑटोमेटिक ऐसे जलती रहती है लाइट्स। अगर आप गेमिंग टेबल पर भी इसको रखते हैं, अगर आप शोपीस की तरह भी यूज करते हैं, गेमर आप बिल्कुल हार्डकोर, अगर आपको ऐसे इसको टेबल पर भी रखना है, अपने गेमिंग टेबल पर या कहीं भी इसको लगाएंगे तो काफी सही लुक एंड फील प्रोवाइड कर रहा है। और जैसे केस ओपन करेंगे यहाँ पे दोनों ही बड्स प्रॉपरली पैक्ड है, लेफ्ट राइट साफ साफ मेंशनड है, और फ्रंट में आपको यहाँ पे बैटरी परसेंटेज यहाँ पे आपको इंडिकेटर दिखा देगा, 3 आपको लाइट्स दी गई हैं, और प्रॉपर यहाँ पे आपको मैनेट्स मिलने वाला है, ईयरबड्स गिरते नहीं है केस के अंदर से, इस तरीके आपको लुक एंड फील का आपको केस मिलने वाला है। और इसमें प्लस पॉइंट यह है, इतने कम प्राइस पॉइंट में ब्रांड ने प्रोवाइड किया है इंस्टेंट वेक एंड पे टेक्नोलॉजी। अगर आप ऑलरेडी कनेक्शन स्टैब्लिश कर चुके हैं, सिंपली आप ईयरबड्स से केस को ओपन करेंगे, ऑटोमेटिकली पेयरिंग मोड में आ जाएगा, आप देख सकते हैं लास्ट पेयर डिवाइस ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। और जैसे आप केस को बंद करेंगे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स लग सकते हैं, लेकिन ये प्रॉपर तरीके से डिस्कनेक्ट भी हो जाएगा। और अगर हम बात करेंगे बर्ड्स की, बर्ड्स आपको मिलने वाले हैं स्टैम्प शेप के, जो नंबर का लोगो है दोनों में लगा हुआ मिल जाएगा। इसमें भी लाइट्स का कॉम्बिनेशन दिया गया है, मैट फिनिश और ग्लॉसिनेस का आपको कॉम्बिनेशन मिल जाएगा बर्ड्स में। लुक एंड फील साफ साफ गेमिंग ईयरबड्स का ही प्रोवाइड कर रहे हैं। सिक्योर फिट की बात करेंगे, प्रॉपर ईयर कप्स लाएंगे कानों में, आपको सिक्योर फिट भी मिल जाएगा। 75% तक आप बोल सकते हैं एक्टिविटीज बैकग्राउंड की कैंसिल हो रही थी, बहुत ज्यादा एक्टिविटीज भी कैंसिल नहीं हो रही थी बैकग्राउंड की, लेकिन आपको फिटिंग सही मिलने वाली है। अगर आप चाहें तो वर्कआउट्स के टाइम पे, रनिंग के टाइम पे, जॉगिंग के टाइम पे यूज करते हैं, कानों से गिरते तो नहीं है, बढ़िया आपको सिक्योर फिट मिल जाएगा। टच कंट्रोल्स कैसे वर्क करते हैं वो तो हम आगे डिस्कस करेंगे ही करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक नजर डालते हैं इसके फीचर्स पार्ट को लेके। तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन 5.3, IPX4 वाटर एंड स्वेट रेजिस्टेंट फीचर, 13 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स, इंस्टेंट वेक एंड पे टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन फीचर मिलेगा फॉर बेटर कॉलिंग एक्सपीरियंस, डेडिकेटेड गेमिंग मोड मिल जाएगा, अप्रॉक्सिमेटली आपको 8 से 10 घंटे का प्ले टाइम मिलेगा ऑन अ सिंगल चार्ज, और ओवरऑल आप बोल सकते हैं 48 आवर्स तक का प्ले टाइम मिल सकते हैं यूजिंग द चार्जिंग केस। फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट दिया गया, अगर आप केस को 15 मिनट चार्ज करते हैं तो आपको नियरली 3 आवर्स का प्ले टाइम भी मिल जाएगा। यहाँ पर देखा जाए प्राइस पॉइंट के हिसाब से जो लॉन्च प्राइस दिया गया है, फीचर्स आपको भर भर के लेटेस्ट मिलने वाले, उसको लेकर मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। इंस्टेंट वेक एंड पे टेक्नोलॉजी मिल रही है, बढ़िया आपको यहाँ पे बैटरी लाइफ मिलने वाली है, बढ़िया आपको यहाँ पे फीचर्स मिलने वाले हैं। बात करेंगे इसके टच कंट्रोल्स की, टच कंट्रोल्स का हिसाब किताब ऐसा है, अगर आप किसी भी ईयरबड को सिंगल टैप करेंगे म्यूजिक प्ले होगा, फिर से सिंगल टैप करेंगे म्यूजिक पॉज होगा, और किसी भी ईयरबड को अगर आप डबल टैप करते हैं तो नेक्स्ट चेक पे ले जाएगा, और किसी भी ईयरबड को अगर आप ट्रिपल टैप करेंगे तो ये प्रीवियस चेक पे ले जाएगा। और लेफ्ट ईयरबड को अगर आप लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे 3 सेकंड्स के लिए, वॉइस असिस्टेंट फीचर एक्टिवेट हो जाएगा, और हिसाब से आप कमांड्स दे सकते हैं।
राइट ईयरबड को आप लॉन्ग प्रेस करेंगे 3 सेकंड्स के लिए, गेमिंग मोड में एंटर कर जाएगा, आपको कानों में प्रॉम भी सुनाई देगा गेम मोड करके। फिर से राइट ईयरबड को लॉन्ग प्रेस करेंगे 3 सेकंड्स के लिए, गेम मोड से एग्जिट कर जाएगा। किसी का कॉल आ रहा है एक्सेप्ट करने के लिए, अगर आप सिंगल टैप करेंगे किसी भी ईयरबड को तो कॉल एक्सेप्ट हो जाएगा। ऑनगोइंग कॉल को रिजेक्ट करने के लिए डबल टैप कर देंगे किसी भी ईयरबड को, कॉल रिजेक्ट हो जाएगा। और इनकमिंग कॉल को आपको डायरेक्टली रिजेक्ट करना है, उससे बातचीत नहीं करनी, आप नाराज है उससे, अगर आप लॉन्ग प्रेस कर देंगे किसी भी ईयरबड को 2 सेकंड्स के लिए तो कॉल डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा। टच रिस्पॉन्सिव है, उसको लेकर मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। बात करेंगे गेमिंग एक्सपीरियंस की, जो मेन इसका जो फीचर दिया गया है गेमिंग ईयरबड्स का, 40 मिलीसेकंड के आसपास ब्रांड ने क्लेम की लेटेंसी, वो जस्टिफाई करती है कि नहीं वो हम चेक करते हैं। अब ब्रांड ने जो लेटेंसी क्लेम की है 40 मिलीसेकंड, मेरे को बिल्कुल जस्टिफाइड लगी। 40-50 मिलीसेकंड के आसपास मुझे लेटेंसी लग रही थी, मुझे लेटेंसी फील नहीं हो रही थी। सीरियस सेपरेशन बिल्कुल सही दिया गया, लेफ्ट राइट एनिमीज कहाँ से आ रही है, फुटस्टेप्स कहाँ से आ रहे हैं, आप क्लियरली पता कर पाएंगे। सराउंडिंग आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा गेमिंग के टाइम पे। गेमिंग पार्ट को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, लुक एंड फील भी गेमिंग वाले ईयरबड्स का दिया गया है, केस भी बढ़िया दिया गया है, गेमिंग भी आपको बढ़िया मिल जाएगी। गेमिंग पार्ट के लिए इसको आप डेफिनेटली ग्रैब कर सकते हैं अगर आप हार्डकोर गेमिंग करते हैं तो। बात करेंगे साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी और कॉल क्वालिटी की। 13 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स दिए गए, इसमें आपको SBC कोडेक का सपोर्ट मिलेगा, AAC कोडेक का सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। बाकी लाउडनेस आपको बहुत ज्यादा मिलने वाली है, अच्छी आपको डिटेलिंग मिल जाएगी, वोकल्स आपको क्लियर मिलने वाला है। फुल वॉल्यूम पे मेरे हिसाब से अवॉइड ही करेंगे सुनना, क्योंकि लाउडनेस बहुत ज्यादा दी गई है। 70-80% वॉल्यूम पे भी सुनेंगे, वोकल्स आपको सही मिल जाएंगे, प्रॉपर आपको ट्रेबल्स मिलने वाले हैं। इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन को लेकर मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी, बढ़िया यहाँ पे आपका बोल सकते हैं। आउटपुट से भी ऐसा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया म्यूजिक पार्ट को लेकर पर्टिकुलरली, और बेसिस में आपको डिसेंट मिलने वाला है। अगर आप प्योरली बेस लग रहे तो आपको लग सकता है कि हल्का हल्का बेस और होना चाहिए था, आपको डिसेंट प्रॉपर सॉफ्ट सॉफ्ट बेस इफेक्ट्स मिलने वाले हैं। थोड़ी बहुत आपको पंचनेस मिल जाएगी, बदल एक्स्ट्रा पावरफुल बूस्टेड बेस बोलते हैं ना, वो आपको थोड़ा बहुत लग सकता है, हल्का हल्का बेटरमेंट होना चाहिए मेरे हिसाब से बेस पार्ट को लेकर, लेकिन आपको प्रॉपर सॉफ्ट सॉफ्ट डिसेंट आपको बेस इफेक्ट्स मिल जाएंगे। बात करेंगे कॉलिंग की, एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन फीचर दिया गया, इसमें आपको MEMS माइक्स यूज किए गए हैं, एक आउटर कंडीशन की आप कॉल रिकॉर्डिंग देख लीजिए इनके थ्रू। हेलो, हाँ दीक्षा, क्या हो रहा है? बस कुछ नहीं, बैठी हुई हूँ, बेबी की फ्रेंड इशी आई हुई है तो हम लोग मास एंड बियर देख रहे हैं। चलो बढ़िया। अरे अभी मेरे पास ना नंबर ब्रांड की तरफ से एक गेमिंग ईयरबड्स आए हुए हैं, अभी मैं उनसे लास्ट ऑफिस के बाद बातचीत कर रहा हूँ। तो तुम्हें मेरी आवाज कैसी आ रही है कंपैरेटिवली? आवाज तो समझ में आ रही है और लाउडनेस भी ठीक ठाक है, लेकिन थोड़ी सी गाड़ियों की आवाज, बैकग्राउंड एक्टिविटी पता चल रही है, हल्की सी विंड नॉइज भी आ रही है। अच्छा, हाँ यहाँ से काफी गाड़ियाँ जा रही है, मैसेज भी पता चल रही है, विंड नॉइज भी आ रहा है, विंड भी चल रही है। हाँ पता चल रहा है, मतलब 70% तुम्हारी आवाज आ रही है, बाकी 30% बैकग्राउंड एक्टिविटी एंड विंड नॉइज, ये सब वोकल्स को लेकर के थोड़ा सा मैं बोल सकती हूँ, थोड़ा और बेटर होते तो कॉलिंग और बेटर हो सकती थी। अच्छा अच्छा अच्छा, बाकी समझ में आ रहा है, ऐसा कोई मतलब समझ में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, लेकिन अगर थोड़ा सा मतलब इनहेंसमेंट होता वोकल्स को लेकर के तो कॉलिंग काफी बेटर हो सकती थी। ठीक है, हाँ बाय। कॉलिंग इसमें आपको मिलने वाली है डिसेंट, इंट्रो कंडीशन में अगर आप कॉलिंग करते हैं, अगर आप गेमिंग के टाइम में भी फ्रेंड को मैसेज कन्वे करते हैं तो उसको लेके कोई दिक्कत नहीं लगी मुझे पर्टिकुलरली। आउटर कंडीशन में अगर आप ले जाएंगे तो आपकी आवाज़ पे 70% तक फोकस रहेगा, मेरी वाइफ बोली थी थोड़ी बहुत बेटरमेंट होनी चाहिए वोकल्स पार्ट को लेकर, और बोलते ना बैकग्राउंड एक्टिविटीज़ काफी तक कैच कर था, 30-35% आप बोल सकते हैं एक्टिविटीज़ कैच कर लेगा बैकग्राउंड की। तो इसमें आपको आउटर कंडीशन में डिसेंट कॉलिंग मिलेगी, इंट्रो कंडीशन में आपको यहाँ पे सही कॉलिंग आप बोल सकते हैं, आपको एडिक्वेट कॉलिंग मिलने वाली है। अब हम करेंगे रेटिंग साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी, कॉल क्वालिटी एंड गेमिंग एक्सपीरियंस को आउट ऑफ 10। तो मैं साउंड क्वालिटी दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10, मैं बेस क्वालिटी दूंगा 8 आउट ऑफ 10, मैं कॉल क्वालिटी दूंगा 7 आउट ऑफ 10 और मैं गेमिंग एक्सपीरियंस दूंगा 9.5 आउट ऑफ 10। दीस आर द रेटिंग्स अकॉर्डिंग टू माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड डिपेंडिंग ऑन द प्राइस ऑफ दिस ईयरबड्स, अप्रॉक्सिमेटली 999 rupees जो कि इसका लॉन्च प्राइस है। और भाई लॉन्च प्राइस के हिसाब से इसका जो लुक एंड फील है, जो बिल्ड क्वालिटी है, पैकेजिंग है, सबसे पहले तो लुक एंड फील है, वही जो पैसा है बिल्कुल वही वसूल हो जाएगा आपका। आप देख सकते हैं जो लुक एंड फील दिया गया है, जो हेलमेट डिजाइन का केस है, इसके लुक एंड फील को लेकर मैं बहुत ही इंप्रेस हुआ, जैसे मैंने इसको पैकेज ओपन किया और दिल खुश हो गया था। आउटपुट भी काफी आपको इंप्रेसिव मिलने वाला है, अच्छी लाउडनेस मिल जाएगी, प्रॉपर आपको सॉफ्ट सॉफ्ट बेस इफेक्ट्स मिलेंगे, कॉलिंग डिसेंट मिलेगी, गेमिंग आपको परफेक्ट मिलने वाली है। मेरे हिसाब से इसको आप डेफिनेटली आगमन करके ग्रैब कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया वर्क किया है ब्रांड ने मेरे हिसाब से। सारे के सारे मेरे पॉसिबल लिंक्स दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके आप चेकआउट करके इसको ग्रैब कर सकते हैं आगमन करके। आपको अभी भी कुछ दिक्कत है, कुछ पूछना हो, कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट विद दैट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द अनबॉक्सिंग रिव्यूज, रेटिंग्स, कॉलिंग टेस्ट एंड गेमिंग टेस्ट ऑफ द रिसेंटली लॉन्च नंबर सुपर बड्स प्रो GT9 गेमिंग ट्रू वायरलेस ईयरबड्स। होप यू लाइक दिस वन, एंड एज आई टोल्ड यू, इफ यू न्यू टू आवर चैनल, काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट, शेयर एज मच एज पॉसिबल, सो वी कैन मेक मोर गुड स्टफ फॉर यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।